वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। एंड आज मैं आपको टेरियाकी सॉस बनाना सिखाऊंगी। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैं आज पनीर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन यूज़ कर सकते हैं, टोफू यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ मैं पनीर कर रही हूँ यूज़। आप तरह तरह की वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और भी तरह की वेजिटेबल्स हैं उनको भी ग्रिल कर सकते हैं। पाइनएप्पल, ब्रोकली, एप्पल्स, ये सब ग्रिल कर सकते हैं इस सॉस में। ये बहुत ही यमी सॉस होता है, जापानीज सॉस है। तो आइए देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। यहाँ मैं पनीर ले रही हूँ, 250 ग्राम्स पनीर है जो मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है, आप देख सकते हैं। रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, एंड यहाँ पे मैं विनेगर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। टमाटो सॉस ले रही हूँ, स्प्रिंग अनियन ले रही हूँ, प्याज लिया है मैंने हरा, 3 बड़े प्याज, हरे प्याज काट लिए हैं बारीक टुकड़ों में, धनिया लिया है बारीक टुकड़ों में काट लिया है, आधा कप धनिया है। ये सोया सॉस ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकलिंग के लिए रखा है, ऊपर गार्निशिंग के लिए जो इस्तेमाल होगा, ये कुटी हुई मूंगफली मैंने रखी है थोड़ी सी, 1 चम्मच। 1 चम्मच छोटा तिल का रखा है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। यहाँ मैंने 7 से 8 कलियाँ गार्लिक की, मतलब लहसुन की, कद्दूकस करके रख ली हैं। यहाँ पे मैंने 1 आधा इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया है, ये दोनों मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसके अलावा मुझे इसमें शहद डाल रही हूँ मैं, 1 बड़ा चम्मच शहद डालूंगी। आप चाहें तो ब्राउन शुगर और या फिर वाइट शुगर, जो ग्रैनुलेटेड शुगर होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं टेरियाकी सॉस में पनीर। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, ये एक प्लेन साफ बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर हम सॉस बनाना शुरू करेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे सोया सॉस का ले रही हूँ, सोया सॉस मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक हमने कद्दूकस करके रखा था, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डालूंगी। आप स्पाइसेस, ये रेड चिली पाउडर अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच सॉल्ट का मैं डालूंगी। सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होता है तो थोड़ा कम ही डालिएगा सॉल्ट। इसके अलावा मैं इसमें ये शहद डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच शहद का मैं इसमें डालूंगी। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर या वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये स्वीटनेस देता है इस सॉस को। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने शहद का डाल लिया है। इसके अलावा मैं 1 छोटा चम्मच विनेगर का डालूंगी, इससे खटास आएगी इसमें। ये मैंने यहाँ बड़ा चम्मच लिया है तो आधा ही चम्मच डालूंगी मैं। अब 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ सॉस का डालूंगी, टमाटो सॉस का। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है। ये जो स्प्रिंग अनियंस हमने 3 बड़े चॉप लिए थे, इसका हाफ क्वांटिटी मैं यहाँ डाल दूंगी, बाकी हाफ क्वांटिटी गार्निशिंग में काम आएगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच तेल के डालूंगी। देखिए ये 2 चम्मच मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको ऑयल को इस सारे सॉस में मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप सॉल्ट टेस्ट कर लीजिए, मेरे हिसाब से सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। आइए इसके अंदर पनीर ऐड करते हैं। ये पनीर के सारे क्यूब्स मैं इसमें डाल दूंगी। और बिल्कुल जेंटल आप इसको मिक्स कीजिए, पनीर के क्यूब टूटने नहीं चाहिए। जेंटली इसको मिक्स कीजिए। देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है, चारों तरफ सॉस अच्छे से कोट हो गया है।
अब इसको हम 10 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि मैरिनेट अच्छे से अंदर चले जाए पनीर के। तो आइए 10 मिनट इसको रेस्ट देते हैं। इसको मैं ढक देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने तवा रख दिया है गरम करने के लिए, फुल आंच पे गरम करने रख दिया है। और ये हमारा जो पनीर था ये 10 मिनट मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे सावधानी से थोड़ा सा तेल डाल देंगे तवे पे। ज़्यादा तेल मत ऐड कीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉस में भी तेल डाला है, तो ये हम इस पे तेल डाल देंगे। अच्छे से तवे पे तेल लगा देंगे। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच तेल लगा दिया है। तवा फुल गर्म है और अब आइए हम इस पे ये पनीर रख देते हैं और इसको हम इसको हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। फुल आंच पे इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये एक तरफ से पक जाएगा तो दूसरी तरफ पलट लेंगे। देखिए ज़्यादा हमको इसको इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी पक जाता है पनीर। ये देखिए मैं इसको टर्न भी करती जा रही हूँ। एक बार पलटने के बाद इससे मैं थोड़ा सा सॉस और डालूंगी। ये जो हमारा सॉस साइड में पड़ा है एक्स्ट्रा, ये मैं थोड़ा इस पे ऐसे ड्रिजल करती जाऊंगी ताकि अच्छे से सॉस इस पे आ जाए, पूरा फ्लेवर अच्छे से आए। इसलिए थोड़ा थोड़ा सॉस इस पे डाल देंगे। और इस तरफ भी पकने देंगे, फिर एक बार पलट देंगे। आइए देखिए पलटते हैं इसे। देखिए इस तरफ भी मैं थोड़ा सा सॉस लगा दूंगी और आंच धीमी नहीं करेंगे, इसे फुल आंच पे ही बनाते हैं। धीमी करेंगे तो ये धीरे धीरे पकेगा, फिर पनीर ड्राई हो जाएगा। हमको पनीर को ड्राई नहीं करना है बिल्कुल, उसका मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए ताकि अच्छे से बाइट में अच्छा आए। आइए देखिए अब हमारा ये ग्रिल हो गया है, अब इसे हम बाउल में निकालते जाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी स्टिकी हो गई है थोड़ी सी, ये चिपक रहा है बिकॉज हमने इसमें हनी इस्तेमाल किया था, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आइए इसे निकाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ सारे ग्रिल कर लिए हैं पनीर के पीसेस। आइए अब इसको सर्व करते हैं। ये जो हमारा बचा हुआ सॉस है ये हम ऊपर ड्रिजल कर देंगे इसके, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। तो ये सारा सॉस हम ऊपर ड्रिजल कर देंगे अच्छे से। अब हमने सॉस ड्रिजल कर दिया है ऊपर से बाकी बचा हुआ। अब ये स्प्रिंग अनियंस जो है हमारे पास, ये स्प्रिंग अनियन ऊपर से ऐसे डेकोरेट करेंगे। इसके बाद मैंने ये क्रश्ड पीनट्स रखी थी, ये सेसमी और यहाँ तिल तिल रखे थे, सेसमी सीड्स यहाँ तिल बोलते हैं, और ये रेड चिली फ्लेक्स थे, तो इनको मिक्स कर देंगे। ये क्रंच ऐड करते हैं इस डिश में, तो आइए इसे भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं।
अब इसके बाद बस ये कोरिएंडर के हमने लीव्स रखे हैं, ये गार्निश करते हैं इससे। तो आइए हमारा टेरियाकी सॉस में पनीर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। और डू इन्जॉय दिस रेसिपी एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।